Hello everyone, welcome back. So, now we are going to have the lecture number 5th of our commerce paper 1. And today we are going to have a discussion on two important points. The first question which we will be discussing today will be traditional versus the modern concept. So, what do you mean by the traditional concept and what do you mean by the modern concept? So, we will have a, a difference of points related with traditional and modern concepts. So, basically, this kind of question can be asked in your paper. इन द पार्ट ऑफ डिस्टिंगविश बिटवीन सो विल बी ऑल्सो लर्निंग इन द सेम फॉर्मैट एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू लर्न इज स्टेप्स इन सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव तो आज हम ये दो क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं इसके पहले काफ़ी सारे पॉइंट्स uh, मैंने ऑलरेडी कवर अप करवाए हैं आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर है साइड बाई साइड आप भी अपने बेसिस पे प्रिपेरेशन्स करते रहे ताकि लास्ट मोमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो सो दो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे एक है हमारा ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट का और मॉडर्न मार्केट के बारे में ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न मॉडर्न uh, uh, जो कंसेप्ट है बिजनेस से रिलेटेड वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे और जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्टेट सेट uh, करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स फॉलो करते हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन मच डिटेल तो लेट अस स्टार्ट विद द टू पॉइंट तो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इफ यू सी द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस दो पार्ट में कंसेप्ट ऑफ बिजनेस को डिवाइड किया गया है नंबर वन इज़ द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो हमारे पहले से कंसेप्ट चल रहा है जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये मेजर ऑब्जेक्टिव हर बिजनेस का लिया गया है सो द मेजर ऑब्जेक्टिव द मेजर पार्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेजर पार्ट विच वेयर विच द ऑर्गेनाइजेशन यूज टू फोकस बेसिकली इन द ट्रेडिशनल कंसेप्ट तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में क्या होता था कि ट्रेडिशनल का मतलब है पुराना कंसेप्ट ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया गया लेकिन अभी अगर हम देखें तो कंपटीशन काफी बढ़ गया है और अभी जो प्रोफेशनल मॉडर्न कंसेप्ट फॉलो होता है जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पहले कस्टमर एक्सपेक्टेशंस कस्टमर सैटिस्फैक्शन कस्टमर लाइक्स कस्टमर डिसलाइक्स के ऊपर ध्यान दिया गया है सो द मेजर पार्ट रिलेटेड टू द डिफरेंस बिटवीन दिस टू कंसेप्ट इज दैट ट्रेडिशनल ट्रडिशनल कंसेप्टूज टू फोकस और यूज टू हैव एन एम्फोसिस ओनली ऑन द प्रॉफिट्स एंड मॉडर्न कंसेप्टूज टू हैव फोकस ऑन द सर्विस क्वालिटी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स द लाइक्स ऑफ द कस्टमर्स द डिसलाइक्स ऑफ द कस्टमर्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स एंड अकॉर्डिंगली दिस कंसेप्ट केम इं टू एग्जिस्टेंस वेयर प्रोफेशनली एक्सपर्ट पर्सन यूज टू हैव देयर स्किल्स एंड दे यूज टू फाइंड आउट वॉट इज द कस्टमर एक्सपेक्टिंग तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम अभी तो ये आपके सामने डिस्टिंग बिटवीन जैसा ही पॉइंट देखो ट्रेडिशनल कंसेप्ट की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट एम्फोसिस करता है किसके ऊपर प्रॉफिट्स के ऊपर और जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे वही ये कंसेप्ट को फॉलो करते थे अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो मॉडर्न कंसेप्ट बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट कमाना ही है लेकिन ये जो प्रॉफिट अर्न किया जाएगा ये प्रॉफिट के पहले अगर हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर हम सोसाइटी uh, के इंटरेस्ट के बारे में अगर हम हमारे कस्टमर्स को क्या चाहिए उसके बेसिस पे अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ये जो प्रॉफिट रहेगा दैट प्रॉफिट विल बी फॉर लॉन्ग पीरियड तो मॉडर्न uh, कन्सेप्ट क्या फोकस करता है मॉडर्न कन्सेप्ट इज फोकसिंग ऑन अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स कस्टमर सैटिस्फैक्शन हमारे बिजनेस की वजह से सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा ये सारी चीज़ें हमारे मॉडर्न कंसेप्ट में फॉलो होती है एंड दैट इज वाई इट इज सेट दैट मॉडर्न कंसेप्ट इज फॉलोइंग द प्रोफेशनल बिजनेस फॉर्म्स तो बेसिकली ट्रेडिशनल इज एन ऑर्थोडॉक्स फैक्टर एंड मॉडर्न इज रिलेटेड विद द प्रोफेशनल पॉइंट्स वेयर कस्टमर सेटिसफेक्शन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एंड विच वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट सेकेंड पॉइंट इज ट्रेडिशनल बिजनेस डू नॉट प्लेस एम्फोसिस ऑन मार्केटिंग रिसर्च तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट का पहला और एक ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता था और वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना बट मॉडर्न कंसेप्ट में एम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया है एंड एम आर इज वॉट मार्केटिंग रिसर्च तो मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया एंड एंड वी आर टेकिंग कस्टमर्स फीडबैक तो कस्टमर्स जो है हमारे कस्टमर्स का फीडबैक भी लिया जाएगा सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिशनल मैनेजर्स मेक रिएक्टिव डिसीज़न। जो ट्रेडिशनल मैनेजर्स थे जब प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा उसके बाद डिसीजन लेते थे लेकिन जो हमारे मॉडर्न कंसेप्ट के प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, वो प्रॉब्लम इमर्ज होने से पहले ही प्रिपेयर्ड रहते थे तो उसे हम प्रोएक्टिव डिसीजंस बोलेंगे तो एक होता है रिएक्टिव डिसीजन और दूसरा होता है प्रोएक्टिव डिसीजन तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है मॉडर्न मैनेजर्स जो है वो प्रोफेशनली एक्सपर्ट है दे आर वेल टैलेंटेड दैट इज वाई दे नो वॉट काइंड ऑफ सिचुएशन विल इमर्ज इन द मार्केट तो जैसे सिचुएशन इमर्ज होगी मार्केट में उसके बेसिस पे दे विल टेक द डिसीशंस एंड दैट इज व्हाई दैट विल आल्सो हेल्प देम टू गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बिकॉज वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट दैट देर इज नो मोनोपोली सिचुएशन इन द मार्केट देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अभी अवेलेबल है तो इसीलिए उनमें अगर हमको कुछ अलग से करना है तो हमें प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा और प्रोएक्टिव बनने का मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही हम हमारे प्रिपरेशंस को शुरू रखें दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव डिसीजन नंबर फोर्थ इस ट्रेडिशनल मैनेजर्स फॉलो एडहॉक सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी दो तो ट्रेडिशनल तो, मैनेजर्स होते हैं वो न्यू अपॉर्चुनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं देते जैसा चल रहा है बिज़नेस वैसे ही चलता है उसी बेसिस पे वो अपने बिजनेस को रन करते हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं लेकिन जो प्रोफेशनल मैनेजर्स है दे ट्राइंग दे आर ग्रैबिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज जो भी नए नए मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैप करने का ट्राई करते हैं बिकॉज जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वो लेंगे उसी के बेसिस पे उनको बेनिफिट आगे जाके मिलेगा अगले पॉइंट में जाएंगे Uh, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वो प्रोड्यूसर और सेलर ओरिएंटेड है अगर मैं आपको गुड्स बेचता हूँ तो ट्रेडिशनल कन्सेप्ट मेरे साइड से ही ज़्यादा से ज्यादा ध्यान देगा मतलब मेरे साइड से ध्यान देगा इन द सेंस जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है उसी के बेसिस पे ज़्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो कस्टमर ओरिएटेड होता है कस्टमर्स के लाइक्स क्या है कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस क्या है वॉट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर वॉट वी वी शुड प्रोवाइड टू द सोसाइटी ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे मॉडर्न कंसेप्ट में आएंगे फिर ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो है अंडर दिस कंसेप्ट फॉर्म्स प्लेस लिमिटेड एम्फोसिस ऑन प्रमोशन मिक्स देखो चार पीज होते हैं चार पीज है मार्केटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन तो ये हम पढ़ेंगे आगे जाके बट प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ये जो प्रमोशनल फैक्टर्स है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है प्रमोशन में अगर देखा जाए तो देखो हम हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइज करते हैं सेल्समैनशिप करते हैं उसके ऊपर कोई भी ध्यान ट्रेडिशनल कंसेप्ट नहीं देता लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट प्रमोशनल एक्टिविटीज पर ध्यान देता है इट इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मिक्स दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन प्लेस और प्रमोशन के ऊपर ध्यान देता है जैसे कि पब्लिसिटी करना एडवर्टाइज़ करना ये सारी चीज़ों के ऊपर मॉडर्न कंसेप्ट मैक्सिमम फोकस करता है ताकि ऐसे बोला जाता है कि जो दिखता है वो ही बिकता है जितना हम हमारे प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे उतना हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल हो और जो हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल ध्यान नहीं रखना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को ये इग्नोर कर देता है आपने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है सी एस आर एक्टिविटीज़ कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सो हमें हमारे बिजनेस से सोसाइटी को भी बेनिफिट देना है और यही सोसाइटी को बेनिफिट देना मतलब सोसाइटी को भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे बिजनेस से मिलने चाहिए तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर देखा जाए तो मॉडर्न बिजनेस जो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर भी ध्यान देता है वो स्टेक होल्डर्स के ऊपर फोकस करता है स्टेक होल्डर्स बोला और शेयर होल्डर्स बोला तो दोनों में क्या डिफरेंस है स्टेक होल्डर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग शेयर होल्डर्स भी आएंगे डायरेक्टर्स भी आएंगे एम्प्लॉयज भी आएंगे एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट एंड द ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो है इट डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैंने ऑलरेडी आपके बात साथ बात कर ली है इस बारे में कि प्रोड्यूसर ओरिएंटेड कंसेप्ट मतलब कस्टमर के ऊपर फोकस ही नहीं है उनका उनको जैसे लगता है वैसे वो प्रोडक्ट बनाएंगे मार्केट में बेचेंगे लेकिन मॉडर्न बिजनेस की अगर बात करें तो आर एक्सपेक्टिंग व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूम डूइंग मार्केटिंग रिसर्च दे हैव द डिपार्टमेंट इन दर्गनाइजेशन कॉल्ड एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज वॉट इट गोज टू द मार्केट इट फाइंड आउट द एक्सपेटेशउट द बेसिकली वॉट लाइक्स वॉट डिसक्स द कंज्यूमर्स एंड अकॉर्डिंगली दे मेक नेसेसरी काइंड ऑफ चेंजेस इन दैट प्रोडक्ट एंड देन दे इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन द मार्केट तो वॉट एवर कस्टमर्स आर एक्सपेक्टिंग वी आर प्रोड्यूसिंग इन दैट फॉर्मैट विच विल हेल्प द ऑर्गनाइजेशन तो ये सारी चीजें जो है हमारे मॉडर्न कांसेप्ट में आएगी तो हमने आज ये डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ लिया है ट्रेडिशनल कांसेप्ट और मॉडर्न कांसेप्ट के बारे में और एक क्वेश्चन हमें कवर अप करना है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे देखो अभी हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है गोल्स ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स हर ऑर्गेनाइजेशन के होने चाहिए आपके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपका भी कोई टारगेट होगा कि इतने परसेंटेज मुझे मिलने चाहिए मेरे लाइफ का ये टारगेट है कि मैं इतना परसेंटेज मिलके मुझे ये कोर्स करना है मुझे मेरे करियर में मैं ये बनना चाहता हूँ तो दीज आर द गोल्स दीज आर द टारगेट्स तो एवरी बिजनेस फॉर्म्स हैज़ इट्स ओन गोल्स हैज़ इट ओन्स ऑब्जेक्टिव तो एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलिन ऑब्जेक्टिव आर गोल्स एस्टैब्लिश टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी एंड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स तो जो जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है उसको हम प्रॉपरली एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे और वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम हमारे नेसेसरी स्टेप्स लेंगे जैसे मैंने अगर एक ऑब्जेक्टिव रखा इस साल मेरा सेल जो है वो ट्वेंटी परसेंट है तो अगले साल मेरा सेल जो है वो थर्टी परसेंट होना चाहिए ये जो टेन परसेंट का हाइक आपको दिखने वाला है अभी ट्वेंटी परसेंट से थर्टी परसेंट वो तो ऐसे तो नहीं होगा कि ट्वेंटी परसेंट है अगले साल ऑटोमेटिकली थर्टी परसेंट हो जाएगा हमें वो टेन परसेंट के हाइक के लिए राइस के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे अब ये जो नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं उसके लिए प्लानिंग लगेगा तो यही सारी स्टेप्स हमको ध्यान में रखनी है तो ये जो स्टेप्स है उसमें अभी एक एक करके पढ़ेंगे स्टेप्स इन सेटिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव सबसे पहला स्टेप है एनालिसिस ऑफ दी एनवायरमेंट ध्यान रखना एनालिसिस ऑफ दी एनवायरमेंट अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स अगर हम बिजनेस एनवायरमेंट की बात करें तो हम डिटेल में पढ़ने वाले आगे लेकिन बिजनेस एनवायरमेंट इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज नंबर वन इज इंटरनल एनवायरमेंट एंड नंबर सेकेंड इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट देखो इंटरनल एनवायरमेंट की बात करें तो जो भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है जैसे कि फिजिकल रिसोर्सेस है जो मटेरियल्स लगता है जो मशीन्स है फाइनेंशियल रिसोर्सेस है फिर जो ह्यूमन रिसोर्स है जो एच है ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करते हैं कंपनी की जो पॉलिसीज़ है कंपनी की जो स्ट्रैटेजीज़ है या कंपनी का वर्किंग कंडीशंस कैसा है कंपनी के वेलफेयर फैसिलिटीज़ कैसे है या फिर कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनका और लेबर के साथ रिलेशंस कैसा है ये सारी चीज़ों को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है तो एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंट में आप दो टाइप के एनवायरमेंट को एनालाइज़ करोगे नंबर वन विल बी इंटरनल इन्वायरमेंट और नंबर सेकंड विल बी एक्सटर्नल अभी एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड इन्वायरमेंट है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी है कॉम्पिटिटर्स जो है हमारे उनकी स्ट्रैटेजी कैसी है कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंसेस कैसा है फिर जो हमारे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट होते हैं इंटर नेशनल इन्वायरमेंट का हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट कैसा है फेवरेबल है या अनफेवरेबल है फिर जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसका कैसा है जैसे कि अगर अगर हम देखें तो अभी बहुत सारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा था ड्यू टू तो द तो कोविड तो नाइन्टीन काफ़ी सारा सबसे अगर बेस्ट एग्जांपल इस सिचुएशन में है तो वो कोविड नाइन्टीन की वजह से अगर हम देखें तो देखो रेलवेज़ पे भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा फिर अगर स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ देखें उनके ऊपर भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ा फिर अगर हम देखें तो होटल इंडस्ट्री जो हमारी सबसे सर्विस इंडस्ट्री में टॉप इंडस्ट्री थी उसके ऊपर भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट बिकॉज लोग घर से बाहर ही नहीं निकले तो फिर बाहर ही नहीं निकले तो घूमने कहाँ जाएंगे उसके बेसिस पे तो होटल इंडस्ट्री सीधी नीचे आ गई थी तो अभी धीरे धीरे उसको फिर से ट्रैक पे लाने के लिए अभी फिर से अनलॉक जैसे हो रहा है वैसे अभी होटल इंडस्ट्री धीरे 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 अपने ट्रैक पे फिर से आ जाएगी बेसिकली मतलब हम ये कह नहीं सकते कि कौन सा बिजनेस के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा तो दैट इज वाई वी नीड टू एनालाइज द एनवायरमेंट इन मच डिटेल एनालिसिस ऑफ द एनवायरमेंट में दो टाइप के एनवायरमेंट को एनालिसिस किया जाता है नंबर वन है इंटरनल नंबर सेकेंड है हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट सेकेंड पॉइंट में वैल्यूज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट सो so, जो भी हमारा टॉप मैनेजमेंट है उनके वैल्यूज़ क्या है उनकी बिलीफ्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जैसे आ, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ध्यान देता है वो ये सोचता है कि हम नए नए इनोवेटिव चेंजेस से मार्केट में आएंगे बिकॉज अभी आप सभी जानते हैं कि एक अगर टूथब्रश परचेस करने आप जाओगे मार्केट में तो आपको थाउजेंड्स ऑफ टूथब्रश मिलेंगे तो उसमें से हम ऐसा क्या देख के परचेस करेंगे कस्टमर तो बहुत सारा अपना देखा देखो जिगजैक फिर ये टूथब्रश है जो पूरे जम्स को मिटाता है फिर टूथपेस्ट है ये सब एफ एम सी जी कमोडिटीज़ है तो ऐसे टाइप में हमें इनोवेटिव रहना बहुत ज़रूरी है तो वैल्यूज़ जो हमारे टॉप मैनेजमेंट है टॉप मैनेजमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिवनेस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मिशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे दट इज द सेल्यूज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट तो वॉट आर दैल्यूज वट आर द बिलीफ ऑफ द टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड फॉर दैट पर्पज वी शुड हैव अवर मिशन एंड फॉर दट फॉर अचीविंग द मिशन देर शुड भी प्रोफेशनली टैलेंटेड पर्सन हू शुड है स्किल्स एंड दैट शुड भी अप्लाइड फॉर अचीविंग द टारगेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थर्ड स्टेप में जाते हैं सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव देखो थर्ड स्टेप में क्या होता है हम हमारे ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे ठीक है हमारे ऑब्जेक्टिव क्या करने वाले हैं सेट करेंगे उसके पहले एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट भी लिया जाता है लेकिन वो पॉइंट उसी के अंदर आ गया एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट लिया जाएगा हमारा पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है वो भी देखा जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले हमने हमारे पास्ट में कितना अच्छा अचीव किया है वो भी देखा जाता है तो ऑब्जेक्टिव्स क्या कर दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स को ड्राफ्ट किया जाएगा ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाएगा और ऑब्जेक्टिव्स हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट इन नेचर एस एम ए आर टी वॉट डू मीन बाय स्मार्ट स्पेसिफिक मेशरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड टू स्मार्ट बहुत ज़रूरी है स्मार्ट इन नेचर होने चाहिए एस से स्पेसिफिक एम से मेजरेबल ए से अचीवेबल आर से रियलिस्टिक टी से टाइम बाउंड तो आपको याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन फिर क्या होगा ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जैसे ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द रिसोर्सेज किया जाएगा कितने रिसोर्सेज लगेंगे फिर हम हमारे सब को डायरेक्ट करेंगे फिर मोटिवेट करेंगे उसके बेसिस पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे और जो भी हमारे स्टेप्स होते हैं उसमें हमेशा याद रखना लास्ट का स्टेप आता है रिव्यू करना फीडबैक लेना जो भी हमने ऑब्जेक्टिवस को इम्प्लीमेंट किया है उसका इम्पैक्ट कैसे है तो उसका कंटिन्यूस फीडबैक होना चाहिए पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए ताकि हमें पता चले एग्जैक्टली exactly कि जो हमने ऑब्जेक्टिवस इम्प्लीमेंट किए थे उसका इम्पैक्ट फेवरेबल हो रहा है या अनफेवरेबल है या क्या हमने इसमें और चेंजेस करने हैं तो दीज आर द टू क्वेश्चन विच वी हैव लर्न फॉर टूडे आई होप की दिस टू क्वेश्चन आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन आंसर यूर क्वेरीज अकॉर्डिंगली और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लेना बिकॉज इस चैनल पर आपको थियोरी अकाउंट्स टैक्सेशन सारे वीडियोज मिलते रहेंगे और एग्जाम से पहले जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है उसके ऊपर भी ये चैनल के ऊपर आपको वीडियोज मिलते रहेंगे थैंक यू बाय बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर अगली बार मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट